नमस्कार, मैं पूजा प्रिया और आप देख रहे हैं बिहार इंसोर्स। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो पहले ही ओवर में क्लीन बोल्ड हो गए। अभी पहला विकेट गिरा है, अभी कई और विकेट गिरेंगे। जी हाँ, ये लाइनें हैं बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी की। उन्होंने ये लाइनें लिखी है नीतीश कुमार के लिए। आपको बता दें कि इन दिनों बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी हैं, वो काफ़ी एक्टिव नजर आते हैं और हर मोर्चे से विपक्ष को घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में जब कार्तिकेय मास्टर को पहले कानून मंत्री बनाया गया तब इन्होंने सवाल किया था, उसके बाद उनका विभाग जब बदल गया तब उन्होंने सवाल किया था, और जब अब उन्होंने गन्ना विभाग से भी इस्तीफा दे दिया है कार्तिकेय सिंह ने, अब इस पर कटाक्ष कर रहे हैं सुशील मोदी। सबसे पहले आप सुशील मोदी का ट्वीट देखिए। देखिए इस ट्वीट में उन्होंने क्या क्या लिखा है। सबसे पहले वो लिखते हैं कि अभी पहला विकेट गिरा है, अभी और कई विकेट गिरेंगे। उसके बाद वो लिखते हैं कि नीतीश कुमार पहले ओवर में ही क्लीन बोल्ड हो गए। अभी तो कार्तिक कुमार का पहला विकेट गिरा है, अभी कई और विकेट गिरेंगे। यानी कि आप समझ सकते हैं कि सुशील कुमार मोदी क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अभी एक मंत्री इस्तीफा दिया है और अभी कई और मंत्रियों की बारी है। एक और उन्होंने साफ लफ्जों में नीतीश कुमार पे कहीं ना कहीं जमकर निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि पहले ही ओवर में क्लीन बोल्ड हो गए हैं नीतीश कुमार। आपको बताते चले कि जब से मंत्रिमंडल का गठन हुआ था उसके बाद से ही लगातार जो विपक्ष है यानी कि जो बीजेपी है वो लगातार आरजेडी और जदयू पर निशाना साध रही थी और हमलावर थी। अब ऐसे में कार्तिकेय मास्टर को जब कानून मंत्री बनाया गया तब ये विभाग तो विवादों से घिरा हुआ था, साथ ही जो कार्तिकेय सिंह हैं उन पे भी कई गंभीर आरोप लग रहे थे। अब ऐसे में उन्होंने जब इस्तीफा दे दिया है, अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। आपको बताते चले कि सुशील मोदी हर मोर्चे पर एकदम बीजेपी के मजबूत खंभा नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार की अगर बात की जाए चाहे वो नेता प्रतिपक्ष हो विधान परिषद का या बिहार विधानसभा का, उन सबसे ज्यादा मजबूती से सुशील कुमार मोदी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। हर मोर्चे पर डटे हुए हैं और हर एक जानकारी पर रहते हुए और साथ ही पूरे मजबूती के साथ सत्ता पक्ष पर वो हमलावर है। आपको बताते चले कि सुशील कुमार मोदी हर रोज एक एक बात को पॉइंट आउट करते हैं और सत्ता पक्ष से जवाब चाहते हैं। खासकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को वो एक भी मौका नहीं दे रहे हैं। हर एक बात का वो जवाब मांगते हैं, हर एक चीज़ पर वो सवाल कर रहे हैं। ऐसे में मजबूत विपक्ष की भूमिका में अगर बात की जाए तो सुशील कुमार मोदी मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं। और आपको बताते चले कि लगातार वो ट्वीट के माध्यम से लगातार अपना वीडियो पोस्ट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से लगातार सवाल करते रहते हैं। अब ऐसे में उन्होंने बड़ी बात कह दी है कि एक विकेट गिरा है, अभी कई और विकेट गिरेंगे। उन्होंने नीतीश कुमार को साफ लफ्जों में कह दिया है कि नीतीश कुमार तो पहले ही ओवर में क्लीन बोल्ड हो गए हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि बिहार में जो ये राजनीतिक घमासान मचा हुआ है इसका अंत कब तक होता है या ऐसे ही चलने वाला है। और दूसरी तरफ जो बातें कही जा रही है कि सुशील कुमार मोदी एक अहम भूमिका में नजर आ रहे हैं, तो सुशील कुमार मोदी के बातों का सत्ता पक्ष पे क्या असर होता है ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। आप देख रहे हैं बिहार इंसोर्स, हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और नीचे दिए गए नंबर पर जरूर मैसेज करें, इससे आपको बिहार की तमाम खबरें सबसे पहले मोबाइल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।